जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ब्राइट के मास्टर और आज मैं गौर्सनर कॉलेज रांची का एडमिशन प्रोसेस के बारे में बतलाने जा रहा हूँ। तो जो गौर्सनर कॉलेज रांची है उसका जो एडमिशन फॉर्म है आउट हो चुका है, निकल चुका है। गौर्सनर कॉलेज रांची का फॉर्म इंटरमीडिएट, यूजी, पीजी और वोकेशनल का निकल चुका है। तो आपको कैसे फॉर्म फिल करना है, फॉर्म के कितने चार्जेज हैं, इसके बारे में इस वीडियो की मदद से डिस्कशन कर रहा हूँ। तो हमारे जितने चैनल में नए हैं, हमारा वीडियो को लाइक करेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जाएंगे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कैन नॉट ओपन दिस पेज यूजिंग मोबाइल, प्लीज़ यूज़ डेस्कटॉप और लैपटॉप फॉर प्रॉपर व्यूइंग। जो ये पेज है मोबाइल में ओपन नहीं होगा, ये डेस्कटॉप में या लैपटॉप में ही ओपन होगा। तो हम थ्री डॉट में क्लिक करेंगे और इसे डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर देंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नो रिफंड वंस ट्रांजैक्शन आईडी जनरेट। आपको पहले क्या करना है, रिफंड नहीं होगा आपको पैसा, आपको ट्रांजैक्शन आईडी पहले जनरेट कर लेना है। बहुत कोई नहीं समझे होंगे ट्रांजैक्शन आईडी कैसे जनरेट करें। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा इन्फॉर्म करेंगे। तो आपको पहले क्या करना है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है। इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद आपको प्रोस्पेक्टस भी पढ़ लेना है। प्रोस्पेक्टस पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, और किसी कॉलेज में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसके बाद पेमेंट करते हैं। यहाँ आपको क्या करना है, पहले पेमेंट करना है उसके बाद फॉर्म फिल करना है। स्ट्रीम सब्जेक्ट अवेलेबल फॉर अप्लाइंग, स्ट्रीम सब्जेक्ट अवेलेबल फॉर अप्लाइंग, इंटरमीडिएट का साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, बैचलर्स इन कॉमर्स नहीं है। बैचलर्स इन आर्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, फिलोसोफी है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, फिजियोलॉजी है, जियोग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, बांग्ला है, उर्दू है। बैचलर इन साइंस की बात करें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, जियोलॉजी है। वोकेशनल की बात करें तो कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बीएससी इन सीए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बीएससी इन आईटी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बीबीए, बायोटेक्नोलॉजी है, बीएससी इन बायोटेक, मास कम्युनिकेशन एंड वीडियो प्रोडक्शन है, एमसीबीपी, मास्टर इन आर्ट्स, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, जियोग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, मास्टर इन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी और मास्टर इन कॉमर्स नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मेक पेमेंट। मेक पेमेंट में जाएंगे तो मेक पेमेंट फॉर एप्लीकेशन फॉर्म 800 रुपया, जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म है उसका क्या कर रहा है, 800 रुपया चार्ज लग रहा है। आपको पहले अपना नेम डालना है, ईमेल आईडी डालना है, फ़ोन नंबर डालना है, सबमिट कर देना है और आपका जो ट्रांजैक्शन आईडी है वो जनरेट हो जाएगा। जो ट्रांजैक्शन आईडी है आपका जीमेल में मैसेज आ जाएगा, उसके बाद बैक करेंगे और आप जाएंगे स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आप साइंस, इंटरमीडिएट साइंस में, इंटरमीडिएट आर्ट्स में, इंटरमीडिएट कॉमर्स में, बैचलर इन साइंस, बैचलर इन आर्ट्स, बैचलर इन कॉमर्स, ग्रेजुएशन वोकेशनल कोर, मास्टर इन साइंस, मास्टर इन आर्ट्स और मास्टर इन कॉमर्स। तो आप देख सकते हैं क्लिक टू अप्लाई, आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, बस तीन छोड़ के मास्टर इन साइंस का अप्लाई मतलब फॉर्म नहीं निकला है, मास्टर इन आर्ट्स का भी और मास्टर इन कॉमर्स का भी तीन का फॉर्म नहीं निकला है, बाकी बात सब में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जैसे जाते हैं इंटरमीडिएट साइंस में पेमेंट करने के बाद, जब ट्रांजेक्शन आई डी आप जनरेट कर लेंगे उसके बाद आप जाएंगे अप्लाई में,
यहाँ भी पेज में ओपन नहीं होगा, इसे हम डेस्कटॉप साइज में कन्वर्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन इंटरमीडिएट साइंस। अब जब साइंस में अप्लाई करेंगे तो आपका जो आप पेमेंट किए हैं, जो आपका ट्रांजेक्शन आईडी है, उसे पहले डालना है। उसके बाद आपको नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, कैटेगरी डालना है, डिव्यूइंग फिजिकल चैलेंज डालना है, आप हैं नहीं हैं, यस या नो करना है, मेंबर ऑफ जीएल चर्च है नहीं है, यस नो लिखना है, रिलीजियंस जो है, नेशनलिटी, फादर नेम, मदर नेम, कॉन्टेक्ट नंबर 2, ईमेल आईडी डालना है, परमानेंट एड्रेस डालना है, क्रॉस्पेंडिंग एड्रेस डालना है। आप एक ही जगह है, पहले से थे, अभी भी है, तो आप दोनों जगह एक ही एड्रेस डाल सकते हैं। ब्लड ग्रुप डालना है, मेकअप आइडेंटिफिकेशन डालना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ स्कूल, लास्ट अटेंडेंस, आप क्लास 10th किस स्कूल से निकले थे वो डालना है, नेम ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड पास, आप किस बोर्ड से पास किए वो डालना है, कंपलसरी सब्जेक्ट, इलेक्टिव सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट डालना है, टोटल मार्क्स ऑब्जेक्ट इन क्लास 10th, आप क्लास 10th में कितना परसेंटेज गेन किए थे और किस बोर्ड से थे वो लिखना है, मार्क्स ऑब्टेन क्लास 10th में आप इंग्लिश में कितना नंबर लाए थे, मैथ्स में कितना लाए थे, साइंस में कितना लाए थे, अगर आप साइंस लेंगे तो ये तीनों का नंबर आपको यहाँ सबमिट करना है। फिर अपलोड एप्लीकेशन रिसेंट कलर फ़ोटो, आपको करेंट का फ़ोटो एक डालना है कलरफुल, प्रोवाइड ओनली जेपीजी इमेज में होना चाहिए और इमेज मैक्सिमम साइज 20 KB, और जो आपका इमेज का साइज़ है वो 20 KB में ही रहना चाहिए। तो अब बहुत कोई को ये भी नहीं पता होगा कि उसे कहाँ से हम चेक करें कितना KB में है, कन्वर्ट कैसे करें, तो आप डाक पहले स्टोर में जाएंगे और वहाँ से आप कन्वर्टर डाउनलोड करके आप 20 KB में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद गौशनर कॉलेज रांची की तरफ से सिलेक्शन लिस्ट जारी किया जाएगा। अगर आपका नाम गौशनर कॉलेज रांची के सिलेक्शन लिस्ट में होगा तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आपका गौशनर कॉलेज रांची के सिलेक्शन लिस्ट में आपका नाम नहीं होगा तो आपका एडमिशन नहीं होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और हमारे जितने चैनल में नए हैं, हमारे चैनल वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और नीचे दिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएंगे लेटेस्ट अपडेट के लिए। और इस कॉलेज का किसी भी तरह का आपको डाउट हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप किस सेवा में उपलब्ध हैं, और किसी भी कॉलेज का आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें कॉलेज में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।